वेलकम बैक टू द पीजे आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आज हम वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं और इस न्यूज़पेपर की हेल्प से और कुछ मिरर वर्क हम उसमें करेंगे। तो पहले हम स्टिक बनाएंगे इस न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर के हमें कुछ स्टिक बड़ी बनानी है तो कुछ छोटी बनानी है। तो पहले तो हम इसको धीरे से फाड़ लेंगे न्यूज़पेपर को। तरीके से हम छोटी स्टिक पहले बनाते हैं। छोटी स्टिक बनाने के लिए हमें एक पेपर में चार हिस्से करने पड़ेंगे, जैसे ये देखिए इस तरीके से। इसके हमें चार हिस्से इस तरीके से करने, चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने चार हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया है और अब हम इस पेपर के दो हिस्से करेंगे सिर्फ। चलिए तो हम पहले छोटे पेपर की स्टिक बना लेते हैं। स्टिक बनाने के लिए हमें इस तरीके की कोई भी रिफिल या कुछ भी आपको जो पतला इस तरीके का रोल अगर आपको मिले तो आप उसकी हेल्प से इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और पेपर को ऐसे करेंगे और बस इसी की मदद से हम इसे गोल गोल घुमाते चले जाएंगे, जिससे ये अपने आप राउंड राउंड होता चला जाएगा। इस तरीके से थोड़ा प्रेशर बना के इसके ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि ये ढीला ना पड़े। अब हम इसको इस तरीके से घुसा लेंगे और इसी की हेल्प से पूरा इसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। सॉरी फट गया, कोई बात नहीं, पर हम इस पर इस तरीके से गोल करके ग्लू लगा देंगे तो स्टिक बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए जो फटा हुआ पार्ट है उसको हमने निकाल दिया, अब इस पर हम ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये बन गई हमारी स्टिक, बड़ी ज़्यादा छोटी है, हमें थोड़ी बड़ी स्टिक बनानी है। तो चलिए हम बड़ी स्टिक बनाते हैं। फिर से हमने रोल किया इस तरीके से और इसको अब की बार ध्यान से कर रहे, पिछली बार फट गया था हमारा स्टिक। तो इस तरीके से इसको कस के प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे घिसा देंगे ताकि ये अंदर दबा ना रह जाए, ठीक है। और इसको इस तरीके से रोल करते चलेंगे, एकदम परफेक्ट साइज है हमारे स्टिक बनकर रेडी है। अच्छा बन गई, अब हम पर ग्लू लगा देंगे। इसी तरीके से हमें सारी स्टिक रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आठ आठ स्टिक बना लेंगे। आठ स्टिक हम छोटी बनाएंगे और आठ स्टिक हम इस तरीके की बड़ी बनाएंगे। और अब हम इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। मैंने अभी फ़िलहाल में थोड़ी ही बनाई है, मैं अभी आपको बस दिखाने के लिए बना रही हूँ। उसके बाद मेरी ऑलरेडी बनी रखी हैं स्टिक, मैं उनकी हेल्प से हैंगिंग रेडी करूँगी। और उसके बाद में हमें सिर्फ इधर एक ब्लैक कलर से पूरे को पेंट कर देना है। पहले ब्रश को गीला करिए, फिर फैब्रिक कलर लगाइए, देन अप्लाई इट। इसको इस तरीके से पूरे पे अप्लाई करके इसको पूरा पेंट कर देंगे हम। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, ये पूरी स्टिक मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर से पेंट कर दी है। इसी तरीके से सारी स्टिक हमें ब्लैक कलर से पेंट करनी है। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टिक बनकर रेडी है। अब हमें एक काम करना है कि इस तरीके का डब्बा आप लीजिए, उसको आप ऐसे गोल शेप में काट लीजिएगा। अब इसको हम एक साइड से ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे और ऐसे करते हमें दो पार्ट में करते हैं दो पार्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने एक गोल गत्ते को ब्लैक कलर से पेंट कर लिया। हमें सेकंड पार्ट को पेंट नहीं करना है, बस हम एक पार्ट को ही इसको ब्लैक पेंट से पेंट करेंगे और इस ब्रश को हम हटा देते हैं और ये पेंट को भी हम हटा देते हैं। चलिए अब पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमने कुछ मिरर ले लिए हैं, एक हमने नॉर्मल साइज का गोल शीशा ले लिया है जिसको हम इसके सेंटर पे लगाएंगे। आप चाहें तो ग्लू वगैरह लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप ग्लू वन की हेल्प से इसमें इसको चिपका सकते हो। मैं इस पर ग्लू चिपका रही हूँ इस तरीके से, ये हमें एकदम सेंटर में लगाना है। इस तरीके से सेंटर में लगाने के बाद में हम और से ले लेंगे। वैसे आप तो इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका दो, सॉरी ग्लू वन
तरीके से हमें ये छोटे वाले मिरर भी इस तरीके से हमें सेट करने हैं। बीच में हमने मिड में लगाया है बड़ा शीशा, अब हम छोटे छोटे शीशे इसके सारे चारों तरफ लगा देंगे। इस तरीके से हमने मिरर सेट कर लिए है। हम दूसरे गत्ते को पूरा ग्लू से कर लेंगे कवर, इस तरीके से पूरे में ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद हमें स्टिक सेट करनी है तरीके से शीशे के चारों तरफ को दूर लगा देते हैं। हम इसे चारों तरफ इस तरीके से अभी इसमें हम लास्ट में और दूर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बेस हो जाए। तो हम इसको दूर दूर सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये हमने बड़ी स्टिक पूरी पेस्ट कर दी है। उसके बाद और एक से जो छोटी हमने स्टिक बनाई थी हम ले दी लगाया, तो पूरे राउंड राउंड पूरे सर्किल पर लगा देंगे। फ्रेंड्स ये हमने सर्किल पूरा कर दिया है। अब हमें सिर्फ इसमें ये डॉट डॉट लगाने हैं ताकि हम ये थर्माकोल बॉल्स इसमें चिपका सकें। कुछ हमने सिल्वर ले ली है, कुछ हमने गोल्डन कलर ले लिया है। तो गोल्डन हम लगाएंगे बड़ी स्टिक पर, सिल्वर हम लगाएंगे छोटी स्टिक पर। तो पहले तो मैं ये ग्लू लगा लेती हूँ, उसके बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके बैक पार्ट पे ग्लू लगा लिया है और अब इसको ग्लू लगाने के बाद में हम इसको साइड में पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जब तक ये सेट नहीं हो जाता है तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब उसके बाद में हमें करना है इसके कॉर्नर पर छोटे मिरर ये रखे हुए हैं, इनको हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने इस तरीके से इसके मिरर वर्क कर दिया है इसके कॉर्नर पर, और इधर हमने ये थर्माकोल बॉल्स चिपका दी हैं और ये मिरर बनकर रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।